सुंदर और सुनीता एक गांव में रहते थे। वह किसान थे और अपने खेतों में ही काम करते थे। एक दिन जब सुंदर सुबह सुबह अपने खेत में काम करने जाता है तो रास्ते में उसे एक नेवला मिलता है। शायद वह ठंड से बेहोश हो गया था। सुंदर नेवले को अपने घर ले आता है। सुनीता उसे धूप में रखती है और गर्म कपड़े में लिटा देती है। कुछ देर बाद नेवला चलने लगता है। अब सुनीता उसे अपने घर में रख लेती है। उसे खाने में दूध और रोटी देती है। सुनीता का एक 6 महीने का बच्चा भी है। एक दिन जब सुंदर खेत में जाता है और सुनीता मंदिर में पूजा करने जाती है, तभी बच्चे के पास एक सांप आता है। नेवला सांप को मारकर बच्चे की जान बचा लेता है। सुनीता आकर जब यह देखती है तो वह नेवले को गोद में उठा लेती है और उसका शुक्रगुजार करती है।